हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विराज। तो आपने मूवी तो बहुत प्रकार की देखे होंगे, बट हॉलीवुड में एडवेंचर्स मूवी एंड फैंटेसी मूवी की बात ही अलग होती है। शायद ही इन मूवी को आपने कहीं पे देखा होगा, बट ये जो मूवी होती है इनकी स्टोरी टेलिंग, CGI, VFX कमाल के होते हैं। ये मूवी आप लोगों को अलग ही दुनिया में लेके जाती हैं। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बेस्ट एडवेंचर्स मूवी जो आपको पूरी तरह हिला के रख देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। और ये मूवीज़ कहाँ पे देखनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। 10वें नंबर पर अल्टीमस फॉल। IMDb पर इसकी रेटिंग 4.1 है। ये फैंटास्टिक एडवेंचर्स मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई है। अल्टीमस जो एक 12 साल का जीनियस क्रिमिनल माइंड लड़का होता है, लेकिन उसकी लाइफ उस दिन बदल जाती है जब उसके फादर को डार्क फोर्स पकड़ ले जाती है, जिसको अपने फादर को छुड़ाने के लिए परियों के साथ फाइट करनी होती है। इसमें देखना यह है कि वो परियों को हराकर अपने डैड को छुड़ा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। 9वें नंबर पर पावर रेंजर। 5.9 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ ये एक मैजिकल एक्शन मूवी है। इसकी कहानी शुरू होती है जिसमें एक स्पेस शिप तबाह होती है और वो एलियन जिसका नाम जार्डन है अपने पावर स्टोन जिसे जियो क्रिस्टल कहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश में भेजता है जो इस पावर के काबिल हो, और इन क्रिस्टलों के पीछे बहुत सी बुरी शक्तियाँ लगी होती हैं। इसमें देखना यह है कि ये जो क्रिस्टल किसे मिलते हैं और वो इसकी रक्षा कैसे करते हैं। 8वें नंबर पे है प्रिंस ऑफ पर्सिया। 6.6 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी गेम पे बेस्ड मैजिकल मूवी है। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि एक मैजिकल नाइफ होता है, यानी कि चाकू, इसके अंदर एक प्रकार की रेत होती है जिसकी मदद से कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। इसकी बेसिक स्टोरी यह है कि जो हमारा हीरो होता है यानी कि प्रिंस, उसके ऊपर यह आरोप लग जाता है कि उसने अपने पिता का मर्डर किया है। उसी वक्त गलती से उसके हाथों में वो चाकू लग जाता है और उस चाकू के पीछे बहुत से बुरे लोग पड़े होते हैं। इसमें देखना यह है कि क्या वो अपने आप को और उस चाकू को बचा पाता है या नहीं। 7वें नंबर पे है नार्निया। 6.9 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। तो ये कहानी है चार भाई बहनों की जो World War II के दौरान एक सुरक्षित जगह पे जाते हैं। एक खेल के दौरान वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और उसके भाई का किडनैप हो जाता है। तो क्या वो अपने भाई को छुड़ा पाते हैं या नहीं, और उस दुनिया से निकल पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। 6वें नंबर पे है मिस प्रेग्नेंट फॉर होम। 6.7 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ ये एक फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है। स्कूल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो चाहे वो हैरी पॉटर का या हो एक्समैन के म्यूटेंट्स बच्चों का, बट इसमें ऐसे म्यूटेंट बच्चों की कहानी दिखाई गई है जो एक टाइम लूप में रहते हैं और कुछ राक्षस से बचने के लिए टाइम लूप का यूज। राक्षस ऐसे होते हैं जो इनकी आँखों के पीछे पड़े होते हैं, इनकी आँखों का इस्तेमाल करके वो एक दूसरे को देख पाते हैं। तो क्या ये बच्चे उन राक्षसों से बच पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो 5वें नंबर पे है मेलेफिसेंट। ये एक फैंटेसी एडवेंचर्स मूवी है। 6.6 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ इसमें एंजेलिना जोली प्लस हिंदी डब किया है हमारी ऐश्वर्या राय बच्चन ने। इसकी मेन स्टोरी यह है कि एंजल्स यानी कि परियों को कैसे ख़त्म किया जाए। बेसिक स्टोरी की बात करें तो मेलेफिसेंट की एक बेटी होती है जिसको एक इंसान से प्यार हो जाता है, और उस बंदे की माँ मेलेफिसेंट को मारना चाहती हैं। तो क्या वो प्लान में अपने सक्सेस हो पाती हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। 4थे नंबर पे है रियल स्टील। 7.1 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ एक्शन एडवेंचर्स से भरपूर मूवी है। इसमें लीड रोल में आपको ह्यूग जैकमैन मिलने वाले हैं। मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूट्यूब में अवेलेबल मूवी है। आज के ज़माने में बॉक्सिंग इंसानों के बीच में होता है, बट बॉक्सिंग को और खूंखार बनाने के लिए बॉक्सिंग दो रोबोटों के बीच में होने लगा है। इस मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटे से लड़के को एक रोबोट मिलता है जो कुछ अलग सा ही होता है। उस रोबोट में लोगों की मूवमेंट कॉपी करके फाइट करने की काबिलियत होती है। तो क्या ये रोबोट सबको हरा पाता है या नहीं, तो ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। 3रे नंबर पे है मैक्स स्टील। 4.6 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ ये एक्शन एडवेंचर पे बेस्ट मूवी है।
मैक्स के डैड एक एलियंस होते हैं जिनके पास एनर्जी को वाटर एनर्जी में चेंज करने की पावर होती है। उनके पास एक ड्रोन होता है जिसको वाटर एनर्जी से चलाया जा सकता है। उस ड्रोन के पीछे बहुत से बुरे लोग लगे होते हैं, इसी वजह से उनके डैड की डेथ हो जाती है। तो क्या मैक्स अपने डैड का बदला ले पाता है या नहीं, और उस रोबोट को ढूंढ पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो दूसरे नंबर पे आती है वॉरक्राफ्ट, 6.8 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ। ये एक फैंटेसी मैजिकल मूवी होने वाली है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है ब्लू मैजिक एंड ग्रीन मैजिक। ग्रीन मतलब बुरा, ब्लू मतलब अच्छा। ग्रीन मतलब ऑर्क, जो ऑर्क राक्षसों जैसे होते हैं वो इंसानों की दुनिया में आके उन पर हमला कर देते हैं। तो क्या इंसान अपने जादू से उन लोगों से बच पाते हैं या नहीं, अपनी दुनिया को उनसे बचा पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो पहले नंबर पे आती है लूसी, 6.4 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ। ये एक फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक लड़की होती है जिसे हम ब्लैक विडो के नाम से भी जानते हैं। उसे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपने दिमाग का 100% यूज करने लगती है। तो क्या वो उन लोगों से बदला ले पाएगी जो उसके इस हालत के जिम्मेदार हैं, और वो अपने आप को कैसे ठीक करती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। रुके रुके कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको मूवीज़ डाउनलोड करनी है तो आप गूगल क्रोम में जाइए, कैट मूवी SD सर्च कीजिएगा, और उसमें से जो मूवीज़ आपको डाउनलोड करनी है सर्च बॉक्स में जाइएगा, मूवीज़ का नेम डालिएगा और वो आपको मूवीज़ मिल जाएंगी। अगर कोई मूवी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, और या तो कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दीजिएगा, अगर ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, या कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा और टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू, बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।